हेलो एंड वेलकम बॉयज टू द ट्वेंटी फेस्ट शो बेस्ड ऑन द हिंदू और आपका स्वागत है हमारे इस खास शो के अंदर सो बॉयज़ एंड गर्ल्स फैमिली मेम्बर्स वॉम वेलकम अगेन लेट्स स्टार्ट द शो गाइज एंड जो 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 लोग नए आए हैं उनके लिए बता दू मैं इस शो के अंदर हम फोकस करते हैं सबसे पहले ऑन द मोस्ट फॉलोअर्ड एंड द मोस्ट आस्ट पेपर इन द एग्जामिशन दैट इज़ द हिंदू फिर हम आ, कोशिश करते हैं जो अदर हेडलाइंस हैं जो कि लेस रेलिवेंट हैं उनको भी ऐड करने का वी ऑल्सो हैव फाइनेंशियल टर्म्स एवरी डे एंड देन वी ऑल्सो हैव स्टैटिक शॉट्स एंड ऑल्सो द मैप प्रैक्टिस मैप प्रैक्टिस पर भी हम फोकस करते हैं बिकॉज अगर आप इंडिया के मैप के बारे में नहीं जानते हैं तो आप क्या जानते हैं तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर इस शो के अंदर करते हैं सो so, जो भी लोग नए आए हैं उनके लिए ये चीज़ कुछ अलग है कुछ डिफरेंट है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलती है तो चलिए शुरू करें एंड लेट्स ना फोकस ऑन द फर्स्ट इमेज जो कि हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है ये उन सबके लिए है जो चाहते हैं आपको फेल करवाना या जो जानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे so, अगर आप किसी के लिए नहीं करना चाहते अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं करना चाहते अपने फैमिली के लिए नहीं करना चाहते तो उनके लिए करें जो आपको फेल होता देखना चाहते हैं तो डू इट फॉर दोज पीपल हु वॉन्ट टू सी यू फेल उनके लिए करें बिकॉज उससे ज़्यादा मजा कभी नहीं आता जब दूसरा वाला आपको कुछ नहीं समझता है और आप कुछ का कुछ कर जाते हैं तो विद दीस लाइन्स लेट्स स्टार्ट द सेशन स्टार्ट स्टार्ट द सेशन शुरुआत करते हैं और चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों इसका जो पी होगा दैट विल बी मेड अवेलेबल ऑन दिस चैनल इज़ वेल और उसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक में हम उसको प्रोवाइड कर देंगे एंड वहाँ से आप इस पी uh, को देख पाएंगे ठीक है तो आई होप सबको क्लियर हो गया क्या क्या डायरेक्शंस हैं क्या क्या गाइडलाइंस है शो की एंड अब दिखाते हैं आपको हमारी पहली इमेज अगेन दिस इमेज विल फॉलो द एशियन गेम्स सो near yet so far there are two Indians there were two Indians who participated in the 800 meter finals 800 meter ke finals में uh, unhone participate kiya tha aur one was the one was uh, uh, as in pitted to be the winner and the other was pitted to be a loser एक को कहा गया कि वो gold जीतेगा और एक के बारे में तो बात ही चीत नहीं हुई पर gold जीता Manjeet Singh ने और सिल्वर जीता जॉनसन जी ने जी बिल्कुल आपके सामने दो इमेजेस हैं एक ये हैं और दूसरा ये है इट हैज़ हैपन्ड आफ्टर डेकेट्स दशकों में पहली बार हुआ है कि इन द 800 मीटर फाइनल्स इन एथलेटिक्स इन एशियन गेम्स द नंबर वन नंबर टू द गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल हैज़ बीन वन बाय इंडिया वन इज़ मंजीत सिंह एंड द अदर वन इज़ जिनी जॉनसन जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी uh, देख रहे हैं तो ये एक बहुत ही uh, अच्छी खबर भी है एंड इट्स समथिंग कि जब आपको लोग चाहते हैं मानते नहीं हैं आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे तो मनजीत सिंह इज एग्जाम्पल कि आई विल प्रूव एवरी वन रोंग ऐसे ही जिन लोग का एस बी आई पी ओ में नहीं हुआ बैंक ऑफ बड़ोडा में नहीं हुआ रेलवेज खराब गया है एस एस सी का अभी रिजल्ट आ ही नहीं रहा होने वाला है वेट करें पेशेंस रखें और जब आप सक्सेस पाएंगे तो दुनिया वाले मुंह खोल के आपको देखेंगे बोलेंगे वाह क्या काम किया सो कूडोज टू द इंडियन टीम दे हैव वन आफ्टर डिकेट्स द गोल्ड मेडल एंड ऑल्सो द ब्रॉन्ज मेडल इन इन द एशियन गेम्स विच आर टेकिंग प्लेस इन जकार्ता चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारी आज की फर्स्ट हेडलाइन की पंजाब हाउस पासिस बिल टू तो कर्ब सेक्रिलिज अब यहाँ पर एक वर्ड आया और ये अंग्रेजी का वर्ड है एंड दैट इज़ सेक्रोलेज ना व्हाट इज सेक्रोलेज गाइस सेक्रिलज इज़ अ इवेंट इन विच एनी रिलीजियस सेंटिमेंट एनी रिलीजियस बुक हैज़ बीन वायोलेटेड अगर किसी भी धर्म का उल्लंघन किया जाता है या उसके खिलाफ ऑफेंसिव काम किया जाता है या उसको आ, उसको उसके खिलाफ गलत काम किया जाता है या कुछ गलत होता है एक धर्म के साथ तो उसे हम सैक्रुलज कहते हैं तो पंजाब ने पास किया एक बिल टू कर्ब सैक्रेलिज इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर पंजाब के अंदर कोई किसी धर्म का उल्लंघन करेगा या उस धर्म की बुराई करेगा या उसके खिलाफ कोई भी ऑफेंसिव काम करेगा तो लाइफ इन प्रेजेंटमेंट उसको 10 साल या उससे अधिक की सज़ा भी हो सकती है ऐसा बिल पंजाब ने दोस्तों पास किया है तो आइए दिखा दें आपको इसका हिंदी एंड इंग्लिश देखिए पहले दिया हुआ है सेक्रेलिज का मीनिंग है वायोलेशन और मिस ऑफ और वॉट इज़ रिकार्डेड एज सेक्रेड ये इसका मीनिंग है नंबर वन नंबर टू द पंजाब असेंबली हैज़ पास्ड अ बिल विच विल अमेंड द इंडियन पेनल कोड और जिसके तहत अगर किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट का अपमान किया जाएगा तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है

जाता है उसका उल्लंघन या दुरुपयोग अगर ऐसा होगा then that will be called as a sacrilege. उसके खिलाफ पंजाब ने ये कदम उठाया है है हर धर्म की की बात की गई है। Whether it is भगवद गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब और एनी अदर रिलीजियस टेक्स्ट उसके लिए ये आपका एक बिल या आपका एक अमेंडमेंट बेसिकली पास किया गया है सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पंजाब असेंबली तो आइए दिखाते हैं आपको पंजाब का हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स ये रहा उसका स्टैटिक अवेयरनेस गाइस अगर हम बात करें सबसे पहले पंजाब के नेशनल पार्क्स की तो इनमें सबसे पहला है एक बर्ड सेंचुरी एक वेटलैंड जिसका नाम है हरी के पातन देन वी हैव झज्जर बाकाउली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वी हैव द तकनी रेमापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दीज आर द थ्री मोस्ट आस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द एग्ज़ामिनेशनस ये तीन चीज़ें आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं अगर हम बात करें लेक्स की चंडीगढ़ में एक लेक है जो कि काफ़ी फेमस है उसका नाम है सुखना लेक फिरोजपुर में हर लेक एंड कपूरथला में आपका कंजीरी लेक भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पाँच जनरेशन प्लांट्स की तो उनमें गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा में है गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट रोपाड़ में है या रोपाड़ में है गुरु हरगोविंद थर्मल प्लांट भटिंडा में है रंजीत सागर डैम है और शनन पावर हाउस है ये पाँच हैं जिनमें से वन टू एंड थ्री एग्ज़ाम में कई बार आए हैं फिर बात करते हैं एयरपोर्ट्स की लुधियाना में एयरपोर्ट का नाम है लुधियाना सहने एयरपोर्ट इन अमृतसर द नेम इज गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट Uh, भिसियाना में एयरपोर्ट का नाम है बटिंडा एयरपोर्ट एंड पठानकोट के एयरपोर्ट का नाम है दी पठानकोट एयरपोर्ट इन एयरपोर्ट्स में सेकेंड और थर्ड एग्जाम में कई सेकेंड और थर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं तो उनको एक बार आप देख सकते हैं सो वी कवर्ड द फर्स्ट हाफ लेट्स नाउ फोकस ऑन द सेकेंड हाफ गाइज रहा आपके सामने अगर हम डैम्स की बात करें वी हैव द वेरी फेमस रंजीत सागर डैम

ठीक है अच्छा एक सवाल आ रहा है फ्रॉम विशव बंदराल येस गाइज दिस शो इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर सी डी एस सी डी एस के लिए भी आपका ये हेल्पफुल है चलिए आगे बढ़ते हैं देन अगर हम बात करें रिवर्स की दोस्तों वी हैव द सतलज रिवर वी हैव द बियास रिवर एंड वी हैव द रावी ये तीन सबसे फेमस रिवर्स हैं जो कि पाई जाती हैं पंजाब प्रांत पंजाब स्टेट के अंदर वन इज सतलज द सेकेंड वन इज बियास एंड थर्ड वन इज रावी अगर हम बात करें लोक नृत्य की या फिर फोक डांसेस की वी हैव द भांगड़ा डांस वी हैव द गिद्धा डांस झूमर डांस यहाँ पर है धूमल डांस है और धनकरा डांस भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है जिनमें से सेकेंड और थर्ड ये एग्ज़ाम में कई बार आया है तो इसको भी आप एक बार प्लीज़ याद कर लीजिएगा फिर बात करते हैं ट्राइब्स की तो जाट वहाँ की सबसे फेमस ट्राइब है खत्री क्लैन वहाँ की है अरोड़ा क्लैन वहाँ की है और राजपूत क्लैन भी वहाँ पर पाई जाती है जिनमें से जाट और खत्री क्लैंस को यूपीएससी में कई बार पूछा गया है इनके बारे में आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो ये सेकेंड हाफ था हमारा अगर यहाँ तक क्लियर हो गया एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस 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 ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है प्रतिभा सक्सेना इनको याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है शॉर्ट ट्रिक पर मत जाइए रेगुलरली डेली बेसिस पर हर स्टेट को फोकस कीजिए पढ़िए और आपको आराम से हो जाएगा जयेश पटेल बिल्कुल ये एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है आप कतई भी चिंतित ना हो अगले सवाल पे अगले एफ्स पे आते हैं फिर बात करें रीजनल फेस्टिवल्स की तो हमारे पास लोहड़ी है विच इज़ विच मार्क्स द एंड ऑफ विंटर फॉर द पंजाबीज उनके लिए जो विंटर का एंड है उसको लोहड़ी कहते हैं बसंत पंचमी जो कि स्प्रिंग जो की बात होती है होला मोहल्ला जो कि गैदरिंग है सिक्स फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज़ जो कि फेस्टिवल जो कि होली के बाद उस दिन होता है देन बैसाखी काफ़ी फेमस है इट इज़ दी एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ खालसा गुरु पूरब होता है काफ़ी फेमस है आ, ये सेलिब्रेट किया जाता है बर्थडे गुरु नानक आ, गुरु गोविंद सिंह मार्टियाडम ऑफ अर्जन देव एंड तेग बहादुर गुरु जी का जोर मेला काफ़ी ज़्यादा फेमस है इट इज़ इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह टू सन्स जोरावर सिंह एंड फ़तेह सिंह जिनको ब्रिक वॉल में चुनवा दिया गया था बहुत ही अशोभनीय बात है एंड हरी बल्ला संगीत मेला जो कि जलंधर में आपका होता है फॉर द सेंट म्यूजिशियन स्वामी हरी बल्ला तो ये सात सबकी स सा सब इंपॉर्टेंट है इनमें से कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू सेवन एवरीथिंग इज हियर इंपॉर्टेंट बिल्कुल आरबीपीएस के लिए भी है। मैं अगली बार शो का डिस्क्रिप्शन में उसको चेंज करा दूंगा ये बैंक के लिए तो है ही एसएससी के लिए है सीडीएस के लिए है रेलवेज के लिए है हर एग्जाम के लिए है जहां पर करंट अफेयर्स आता है नेक्स्ट पे आते हैं फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की दोस्तों तो इनमें मॉन्यूमेंट्स की बात करें मोन्यूमेंट्स की यहाँ पर बात करें तो गोल्डन टेम्पल है सबको पता होगा जिसको हम हरमंदिर हरमंदिर साहिब भी कहते हैं जो अमृतसर में है फिर फ़तेहगढ़ गुरुद्वारा है सहोता में तख्त श्री केशरगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में है दमदमा साहिब भटिंडा में है किला मुबारक पटियाला जगत जीत पैलेस कपूरथला जलियाँवाला बाग विच इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस इट इज़ एन अमृतसर यहाँ पर अप्रैल 13, 1919 को द इंडियन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी सोल्जर्स विच व कमांडेड बाय जनरल रेगिनार्ड डायर द बिगैन शूटिंग एट अनार्म वुमेन मेन एंड चिल्ड्रन विदाउट वार्निंग तो वो काफ़ी एक अशोभनीय बात थी एंड वाघा बॉर्डर जो कि काफ़ी uh, एक पीसफुल एंड काफ़ी इज अ सिम्बल ऑफ इंडिया पाकिस्तान ब्रदरहुड वो अमृतसर में है जहाँ पर होती है आपकी बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी ठीक है तो ये आपके सामने दिया हुआ है बाकी ज, आ, मधुरी जी कह रही हैं जूम करने को मैम इसका पीडीएफ आपको शो के बाद मिल जाएगा तब आप आराम से जूम इन करिएगा और जूम आउट भी आप कर सकती हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों निकनेम्स की बात करते हैं अमृतसर इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल इट इज़ ऑल्सो नोन एज द होली सिटी पटियाला इज़ नोन एज द रॉयल सिटी उसे हम रॉयल शहर के नाम से भी जानते हैं फिर हम बात करें अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स की तो गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम है विच इज़ अ मल्टीपर्पज़ स्टेडियम जलंधर में है इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में है दैन वी हैव द पी सी ए स्टेडियम ऑल्सो नोन एज द बिंद्रा स्टेडियम नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर बी सी आई एंड पी सी ए प्रेजिडेंट आई एस बिंद्रा वो आपका अगेन मोहाली में है फिर अगर हम बात करें कॉन्स्टिटुंसीज़ की तो जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल शी वॉज दाइफ ऑफ द अर्ली एक्स सी एम ऑफ अर्ली एक्स डेप्टी सी एम ऑफ पंजाब वो हैं बटिंडा से एंड शी इज़ द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर वो यहाँ पर आपके सामने हमने दे दिया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों लेट्स ना फोकस ऑन द नेक्स्ट ऑफ द हेडलाइंस और वो ये रही आपके सामने 25 फाइव गेट्स ऑफ डैम कुैम हैव बीन ओपनड सिचुएशन लाइक केरला उड़ीसा में ऐसा लोग कह रहे हैं हो सकता है एंड इसीलिए करीब जो 25 गेट्स हैं द वल्ड फेमस हीराकुंड डैम के उनको बेसिकली ओपन किया गया है एंड uh, करीब 11 डिस्ट्रिक्ट आपके हैं उड़ीसा में जहाँ पर सिचुएशन फ्लड लाइक बन सकती है ऐसा कहा गया है तो गाइज़ येस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर एग्ज़ाम में सवाल आएगा सिर्फ इसके स्टार्टिंग पार्ट पे या तो सवाल आएगा अबाउट उड़ीसा उड़ीसा के बारे में या फिर सवाल आएगा अबाउट दी डिफरेंट डैम्स जो कि अलग अलग रिवर्स में हैं तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से फेमस डैम्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और वो रहे ये आपके सामने दोस्तों सरदार सरोवर डैम इज़ ऑन द नर्मदा रिवर गुजरात में है श्री सैलम डैम कृष्णा रिवर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है रंजीत सागर डैम मैंने आज आपको बताया ये आपका रावी रिवर पे है इट इज़ इन पंजाब कोटेश्वर डैम भागीरथी रिवर पर है उत्तराखंड गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे है एम पी ओमकारेश्वर डैम नर्मदा रिवर पे है एम पी मुला पेरियार वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट पेरियार रिवर पे है इन केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट बागी बगलीहार डैम जो कि है आपका आ, इन चेनाब जम्मू कश्मीर नागार्जुन सागर डैम कृष्णा तेलंगाना सलाल डैम चेनाब जम्मू कश्मीर कोयना कोयना डैम कोयना रिवर पर महाराष्ट्र रिहन डैम उत्तर प्रदेश उकाई डैम गुजरात उरी डैम झेलम जम्मू कश्मीर तेहरी डैम भागीरथी भाकरा डैम सतलज हिमाचल इडुकी अगेन केरला मेटू डैम कावेरी हीराकुड महानदी उड़ीसा और जवाहर सागर चंबर राजस्थान और राणा प्रताप सागर ये भी आपका राजस्थान में है तो ये आपके इम्पोर्टेंट डैम्स की लिस्ट है और इसको मैंने पहले भी शेयर किया अभी भी आपसे शेयर कर रहा हूँ इसको एक बार आप देख सकते हैं धर्मेंद्र कुमार मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़े शो के एंड में हम इसका पी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तब तक आराम से आप इस क्लास को देख सकते हैं ठीक है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया एक बार ज़रा कमेंट्स में डाल दो येस सर येस सर येस सर, येस सर, ये सर वी हैव हाँ अंडरस्टूड प्लीज़ डाल दीजिएगा ताकि मैं बता चुकूँ ताकि मैं जान सकूँ कि आप सबको यहाँ पर याद हो गया है न भाई इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा इसका उड़ीसा का हिंदू शाटिक शॉट्स इसको ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया है तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसको डिस्कस आज नहीं करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही है सामने स्क्रीन पर अली बाबा क्लाउड आंध्र प्रदेश अली बा क्लाउड विच इज़ अ कंपनी ऑफ अली बाबा कॉपोशन विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ चाइना उन्होंने एक एम ओ यू एम ओ यू स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको साइन किया है विथ uh, उसको साइन किया गया है विथ दी आंध्र प्रदेश स्टेट अब इससे होगा क्या इससे दंपनी विल प्रोवाइड ई सोल्यूशंस और ऑनलाइन सोल्यूशंस फॉर बेटर मैनेजमेंट गवर्नेंस एंड ऑल्सो स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की जो सिस्टम है जो उसका मैनेजमेंट है उस उसको और बेहतर करने के लिए इसको यहां पर दोस्तों आ, किया गया है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ, मेंशन भी हो गया है अच्छा यहां पर दोस्तों दो तीन चीजें आपको ध्यान देनी है सबसे पहले यहाँ पर आपको फोकस करना है अलीबाबा के ऊपर सेकंड आपको फोकस करना है आंध्र प्रदेश के ऊपर तो पहले तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले अलीबाबा की बिकॉज अगेन ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है uh, अगर हम अलीबाबा की बात करें दोस्तों तो अलीबाबा बाबा वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर नाइनटीन नाइन्टी में आपका अली बना नंबर वन नंबर टू इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है जैक मा ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी और ये है कहाँ आपका इट इज़ बेसिकली इन हांग चाइना द क्वार्टर्स आर इन हांग चाइना यहाँ उसके हेड क्वार्टर्स हैं और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अगेन जैक मा तो चाइनीज़ कंपनी है नाइनटीन uh, में बनी है आपकी जैक मा इसके फाउंडर एंड चेयरमैन है और हांगज़ू चाइना में इसके हेड क्वार्टर्स आपके पाए जाते हैं सो वीफ कवर्ड अली बाबा अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश के बारे में जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं रिवर्स में कृष्णा के ऊपर ये डैम्स रहे ऑलरेडी इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक दो दिन पहले या कल ही डिस्कस किया हमने तो इसको आप देख लीजिएगा कि डिफरेंट रिवर्स कौन से हैं फेस्टिवल्स कौन से हैं नेशनल पार्क्स आपके कौन कौन से यहाँ पाए जाते हैं फिर हमने डिस्कस कल ही किया था अबाउट रिजर्व पार्क्स कौन से हैं स्टेडियम्स अरिनास कौन से हैं क्या क्या आपके निकनेम शहर के हैं, सब मैंने कल ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया है तो अभी मैं यहाँ पर इसको अधिक डिस्कस नहीं करूँगा पर ये आप स्क्रीन पर फ़िलहाल देख भी पा रहे हैं अगर आपके कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा जब वापस स्क्रीन पर आते हैं दोस्तों एक बात समझिएगा कि अगर मैं इफ़ आई एम अनेबल टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चन देन आई एम प्रिटी सर्टन मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि इन द कमेंट सेक्शन अराउंड अराउंड फिफ्टी हंड्रेड पीपल आर वॉचिंग उनमें से कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कि मुझसे बेहतर हैं तो वो लोग कमेंट में दो बाकियों की हेल्प करें इन आंसरिंग देयर डाउट्स तो वो बहुत अच्छा रहेगा मिलकर इस शो को अच्छा करेंगे तो सब लोग इसको अच्छा कर सकेंगे ठीक है येस मनोज कुमार दिस दिस शो इज़ ऑल्सो फॉर सी डी आप परेशान ना होइएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद मॉन्यूमेंट्स uh, की बात भी कर सकते हैं पोर्ट्स की बात भी कर सकते हैं इस सब मैंने कल डिस्कस किया है अब बात करते हैं हमारी आज की अगली खबर की जो कि ये रही आपके सामने मैंड स्पेस मिशन बिफोर द सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे इसरो चीफ एंड द स्पेस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के सिवान हैज़ क्लियरली स्टेटेड दैट इट इज सर्टन दैट बिफोर द सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे जो भारत का एक मानव सहित स्पेस मिशन है उसको वो लॉन्च कर देगा मतलब कि जो एक गगनयान, द नेम ऑफ द प्लान द नेम ऑफ़ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गाइस इज़ बेसिकली गगनयान तो जो गगनयान आपका है विच इज़ इंडियाज़ एम्बिशियस मैन स्पेस फ्लाइट मिशन जहाँ पर uh, भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो भी जा पाएंगे अंतरिक्ष में उसको वो इंडिपेंडेंस uh, डे से पहले uh, लॉन्च कर देगा Uh, ये जो आपका पूरा मिशन है इसकी शुरुआत हुई 2004 के अंदर एंड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके uh, टेस्ट हैं फॉर एग्जांपल द स्पेस क्या कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट द क्रू मॉड्यूल एटमोस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट और जो लेटेस्ट आपका टेस्ट है दैट इज पैट दैट इज पैट अबाउट टेस्ट ये सब के सब आपके हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आने वाले समय में बिफोर दी सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे इंडिया इसको अचीव कर लेगा इसरो इसको अचीव कर लेगा नाउ इन दिस पर्टिकुलर मिशन दे आर एमिंग टू सेंड अ थ्री पर्सन क्रू टू स्पेस फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव टू सेवन डेज पाँच से सात दिन के लिए वो करीब आ, करीब दो से तीन आ, लोगों को जाने की बात उन्होंने यहाँ पर कही है ठीक है तो वो ये स्क्रीन पर भी आपके सामने मेंशन हो गया है आइए दिखाते हैं आपको इसी का हिंदू स्टैटिक शॉट जो कि ये रहा आपके सामने Gagan Yaan shall be launched before 75th Independence Day. Various tests like the space capsule, crew module, atmospheric re entry. एंड द लेटेस्ट पी ए टी दैट स्टैंड फॉर पैट अबाउट सारे के सारे आपके हो गए हैं इसका जो मिशन होगा वो होगा तीन लोगों का और ये पाँच से सात दिनों के लिए किया जाएगा इसका जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ टेन थाउजेंड करोड़ इसकी कुल लागत आपकी दस हज़ार करोड़ है जितने लोगों को पसंद आ रहा है हमारा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा येस सर आ रहा है ताकि मैं और कुछ नई चीज़ें हर महीने लाता रहूँ ताकि इस शो को हम कोशिश करें टू तो बिकम द बेस्ट शो हालांकि बहुत सारे व्यूवर्स नहीं आते हैं फिर भी अच्छा लगता है कि जो हमारे लॉयलिस्ट हैं वो लगातार शो को देखते रहते हैं थैंक यू सो मच फॉर दैट ठीक है चलिए तो ये था इसके बारे में और अगर यहाँ पर एक और चीज़ जो आपसे पूछ सकता है पूछ सकता है अबाउट इसरो तो मैंने आपको बता दिया कि इसरो के जो इस समय चेयरमैन हैं उनका नाम है के सिवान जो कि इसके हेड भी हैं इसरो की शुरुआत आपकी हुई है उन्नीस में दैट इज़ द ईयर इन विच द फर्स्ट मैन वेंट इन टू फर्स्ट मैन वर सेंट टू मून तो उस साल इनकी शुरुआत हुई है वन नाइन सिक्स नाइन में और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके बेंगलुरु uh, कर्नाटका में हैं दैट इज़ टू पॉइंट थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसके जो डिफरेंट सेंटर्स हैं उनमें सबसे जो फेमस सेंटर है दैट इज़ दतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज़ इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश अलग द मेन सेंटर द प्राइमरी स्पेस पोर्ट जहां से ये अंतरिक्ष में मिसाइल्स uh, uh, को या सैटेलाइट्स को दे एमिट दैट दैट स्पेस पोर्ट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आपका है इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश तो वो भी एक बार आप याद रख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चलते हैं आपको अगली खबर पर The government has scrapped scientific panels and has formed a council. जो सरकार है उन्होंने एक scientific panel बन उन्होंने जो scientific panels थे उनको हटा के अब एक पूरा एक full fledged scientific council बनाया है So there were two councils, there were two panels माफ कीजिएगा and those two panels were now have been have been rejected उनको हटा दिया गया है और अब एक पूरा council बनेगा जिसको lead करेंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र मिस्टर दैट इज़ के राघवन वो उनको लीड करेंगे और उसमें कई एमिनेंट लोग आएंगे फॉर एग्जाम्पल वी सारस्वत फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट मैथमेटिशियन मंजुल भार्गव तो कई लोग उस काउंसिल uh, के अंदर यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये रहा फर्स्ट सेक्शन द गवर्नमेंट हैज़ क्राफ्ट द साइंटिफिक एडवाइसरी काउंसिल इसको उसने मेरे को हटा दो इसको उसने स्क्रैप कर दिया है एंड अब जो आपका काउंसिल है उसका नाम होगा ये रहा आपके सामने द प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल तो अब जो नया काउंसिल होगा उसका नाम होगा पी एम एस टी आई सी या पी एम स्टीआर जिसका फुल फॉर्म आपके सामने है प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइसरी काउंसिल इसके अंदर दे विल बी मेम्बर्स लाइक वी के सारस्स्वत ए एस किरण कुमार जो कि चेयरमैन थे इसरो के अजय कुमार सूद देन वी हैव हाँ, मेजर जनरल माधुरी कनितकर संगमित्रा मित्र बंधोपाध्याय सुभाष काक मंजुल भार्गव एंड मेनी अदर्स कई सारे आपके एमिनेंट लोग इसके पार्ट यहाँ पर आ, बनेंगे तो चलिए अब आपको दिखा दें इसी का हमारा हिंदू शाटिक शॉर्ट्स जो कि ये रहा अब आपके सामने द गवर्नमेंट हैज़ क्राप्ड टू साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एंड हैज़ रिप्लेस्ड विथ द पी एम्स जो कि आपके सामने देखिए दिया भी हुआ है उसका फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा उसका फुल फॉर्म यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ये इसका फुल फॉर्म है और इसको चेयर करेंगे डॉक्टर के विजय राघवन जो कि इसके चेयरमैन बनाए गए हैं गंगाधर चौहान ने हमें दिए हैं फोर्टी रुपीज़ थैंक यू सो मच फॉर दी डोनेशन अच्छा लगा आपने हमें फोर्टी रुपीज़ दिए अच्छा इसका हिंदी भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि इसमें होंगे करीब आपके नाइन मेम्बर्स नौ सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे जो इस समय प्रिंसिपल वैज्ञानिक सलाहकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर के विजय राघवन आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर नई देर इज़ अ वेरी बिग एक्सरसाइज अ वेरी लार्ज एंड वेरी ह्यूमंगस वन ऑफ़ द बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज ऑफ द वर्ल्ड होने वाली है एंड उसको लीड कर रहा है रशिया जिसमें मंगोलिया एंड चाइना ये दोनों ही आर्मीज़ पार्टिसिपेट करेंगी उस एक्सरसाइज़ का दोस्तों नाम मैं आपके सामने मार्क कर देता हूँ उसका नाम है वॉस्टॉक टू थाउजेंड एटीन ऑल राइट एंड इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज दे विल बी अराउंड थ्री लैक ट्रूप्स अराउंड वन थाउजेंड एयरक्राफ्ट अराउंड टू नेवल फीट्स करीब छत्तीस हज़ार टैंक्स इसमें यूज होंगे uh, तो ये सब इसके अंदर इसका हिस्सा होने वाले हैं तो याद रखिएगा इसका नाम है वॉस्टॉक टू ज़ीरो वन एट एक्सरसाइज ये इसका यहाँ पर नाम है और ये होगा आपका सुगोल ट्रेनिंग रेंज में जहाँ पर रशिया चाइना मंगोलिया होंगे और ये 11 से 15 सितंबर के बीच एक्सरसाइज को यहाँ पर करने वाले हैं तो नाम कहाँ पर होगा इट विल टेक प्लेस इन सुगोल ये जो आपकी हेडलाइन है ये पेज नंबर 12 पर है और यहाँ पर तीन कंट्रीज़ होंगी एलेग पी चाइना मंगोलिया एंड रशिया याद रखिएगा नाम वॉस्टॉक टू आगे बढ़ते हैं Uh, और दिखा दें आपको uh, uh, परीद uh, परीदा लिप्सा वॉस्टॉक का मुझे आइडिया नहीं क्या होता है मुझे सिर्फ पता है कि वॉस्टॉक टू जीरो वन एट इज़ एन एक्सरसाइज इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द प्रीवियस फोर्टी ईयर्स जिसमें चाइना रशिया और मंगोलिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाकी उसका मिनी एग्जाम में आपका नहीं आएगा मोहम्मद साजिद हल्दर मैं हर एक हेडलाइन का स्टार्टिक देता हूँ अभी तक मैं क्या दे रहा हूँ स्टार्टिक दे रहा हूँ कि भगवान की दया दे रहा हूँ आई एम गिविंग यू स्टार्टिक ओके लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन एल आई सी टू पिकअप सेवन परसेंट मोर इन द आई बैंक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कि एक इंश्योरेंस uh, कंपनी है विच इज़ वन ऑफ द विच इज़ इफ नॉट द लार्जेस्ट बट द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया वो सेवन परसेंट ज़्यादा स्टेक लेगी अभी आई बैंक में अभी जो उसका स्टेक है अभी जो उसका एक uh, शेयर होल्डिंग है वो है आपका एट सेवन और अब वो इसके अलावा सेवन परसेंट और लेगी विच विल मेक द होल्डिंग एट फोर्टीन पॉइंट नाइन एट परसेंट सो so, uh, जो एल है दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वो सात परसेंट अधिक स्टेक uh, स्टेक मतलब होता है परसेंटेज ऑफ ओनरशिप तो वो सात परसेंट अधिक शेयर अब आई बैंक में मिलेगी जिससे कि उसका जो ओनरशिप होगा दैट विल बी फोर्टीन पॉइंट नाइन एट परसेंट और अगर उसको फिफ्टीन परसेंट से ज्यादा लेना है इफ़ इट नीड्स टू अक्वायर मोर दैन फिफ्टीन परसेंट दैन दैन द अप्रूवल फ्रॉम इरडाई दैट इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट थॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूवल लेना जरूरी हो जाएगा तो सेवन परसेंट स्टेक उसने अभी करने की, बात की है, अप्रूवल वो आगे चलकर ले लेगा ठीक है यह चीज यहां पर आप फिलहाल देख सकते हैं सवाल यहां पर अबाउट सर एल आई सी एलआईसी के बारे में तो फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है uh, इसकी अगर हम एल की और डिटेल में बात करें तो 1956 में एल uh, आपका बना नंबर वन नंबर टू इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके मुंबई में हैं दैट इज़ नंबर टू नंबर थ्री की बात करें तो इसके जो इस समय चेयरमैन हैं उनका नाम है श्री वी के शर्मा ही इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ़ एल तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान देनी है पहला 1956 में आपका बना मुंबई में है एंड वी के शर्मा जो हैं वो इसके वर्तमान में चेयरपर्सन या चेयरमैन यहाँ पर हैं ठीक है थीके? और ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज़ ये आई बैंक जो है इसको इसका जो 51 परसेंट स्टेक है उसको यहाँ पर अक्वायर करने की बात इसने कही है अगर हम यहाँ पर बात करें आई बैंक की आइए उसकी बात भी कर लेते हैं आपके लिए तो आई बैंक जो है आपका इसका जो पेरेंट बॉडी है वो आपकी बनी सिक्सटी में ये बना एक प्राइवेट सेक्टर बैंक इन 1994 और इसे कन्वर्ट किया गया 2004 में इनटू अ पब्लिक सेक्टर बैंक तो इसकी कहानी बड़ी अजीब सी है कि इनिशियली इट वाज अ इट वाज अ कंपनी दैट कंपनी इज़ पार्ट वॉज कन्वर्टेड इन टू अ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन नाइन्टी फोर और नाइन्टी फोर के बाद दस साल बाद करीब करीब इसे कन्वर्ट किए गया इन टू अ पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक अभी फ़िलहाल फिफ्टी वन परसेंट से ज़्यादा है इसके जो चेयरमैन या फिर एम डी की बात इसके जो एम डी और सी ई जो हैं उनका नाम है बी श्री राम ही इज़ द करेंट एम डी एंड सी ई ऑफ दी आई डी बी आई बैंक और इसके जो हैड क्वार्टर्स हैं वो आपके मुंबई में पाए जाते हैं ठीक है तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा सिक्सटी में बना आपका इट वॉज कन्वर्टेड इन टू अ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन नाइन्टी फोर कन्वर्टेड इंटू अ पब्लिक सेक्टर बैंक इन टू थाउजेंड फोर और इसके जो अध्यक्ष उनका नाम है ब्री श्रीराम अगर यहाँ तक आप सबको क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर येस सर येस सर वी हैव अंडरस्टुड ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका दिखाते हैं आपको हिंदू इन स्टार्टिंग शॉर्ट्स ये था आपके सामने देखो मेरे भाई वैसे तो आपने इस शो को बना दिया है हेलो फरमाइश फरमाइश करते जाते हो मैं करता जाता हूँ फिर भी आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको दे दी है इंग्लिश भी और इसका हिंदी भी इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर मजा आ रहा है तो एक बार लिख दो यस सर यस सर और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो शो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर बर्कशायर हाथवे परचेज इजटेक इन पे पेटीएम में बक्शाह हाथवे ने अपना स्टेक परचेस किया है नाइज बक्शाह हाथवे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बर्गशाह हेथवे इज़ ओन बाय द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ हिज नेम इज़ वॉरेन बफे कई स्टॉक होल्डर्स के लिए कई ब्रोकर्स के लिए कई कैपिटल मार्केट कैपिटलिस्ट के लिए ही इज़ द आइडियल पर्सन बिकॉज इन्होंने अकेले दम पर इतना बड़ा इम्पैक्ट खड़ा किया है तो जो बर्कशन हैथवे है वो बेसिक उसने uh, उसने इन्वेस्ट किया है पेटीएम uh, के अंदर और इसकी सूचना दी है बाय द चेयरमैन ऑफ पे टी एम डॉक्टर विजय शेखर शर्मा उन्होंने कहा कि करीब पच्चीस करोड़ रुपए के शेयर्स को परचेज़ uh, किया है क्योंकि यहाँ दिया हुआ इट हैज़ परचेज अराउंड थ्री टू फोर स्टेक इन पेटीएम पेटीएम की जो कंपनी है उसका नाम है वन नाइनटी सेवन कम्युनिकेशन दैट इज़ दी दैट इज दी 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 पेरेंट कंपनी ऑफ़ पे टी एम तो उसकी हिसाब से करीब तीन से चार परसेंट uh, का शेयर अक्वायर किए हैं बर्गशाह हाथवे ने जो कंपनी है आपकी वॉर्न बफे की अगर हम बात करें अबाउट बर्गशाह हाथवे काइज तो बर्गशाह हाथवे की शुरुआत हुई है इट्स बिन फाउंडेड इन एटीन थर्टी नाइन बहुत पुरानी कंपनी है नंबर वन नंबर uh, टू uh, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ओमाहा में है ओमाहा इज़ इन यू एस वहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं ठीक है थीके? और इसके जो फाउंडर हैं इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम वैसे तो है ओलिवर चांस पर उसका फाउंडर का नाम है ओलिवर चांस पर अभी जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है वॉरेन बफे तो शुरुआत तो हुई थर्टी नाइन में पर इसके जो अभी हेड हैं उनका नाम है वॉरेन बुफे पर फाउंडर्स के हैं ओलिवर तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा एटीन थर्टी नाइन में बना आपका उमाहा यू में इसके हेडक्वार्टर्स हैं ओलिवर चांस ओलिवर चेस वॉज ऑफ़ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द करेंट चेयरमैन एंड द सी Uh, is uh, is uh, is इज मिस्टर वॉरन बफे हु इज़ द थर्ड रिचेस्ट in the entire world. यहाँ पर एक चीज़ और एग्जाम में आ सकती है वो आ सकती है अबाउट पे टी एम आखिरकार पे टी एम क्या है तो पे टी एम की बात करें तो इट्स एन इंडियन ई कॉमर्स वेबसाइट भारत की एक ई कामर्स वेबसाइट है और दो हज़ार दस में आपका पे टी एम बना इसके हेडकुआटर्स हैं आपके नोएडा में नोएडा में यूल फाइंड द हेडकोार्टर्स ऑफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और इसके जो फाउंडर सी ई उनका नाम है विजय शेखर शर्मा ही इज़ दी फाउंडर सी ई ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपको हमारी अगली खबर उससे पहले इसका ये रहा हिंदू इसका ये रहा हिंदी में आपका हिंदू स्टार्टिक शॉर्ट्स अगर यहाँ तक समझ में आया तो लिख दीजिएगा एक सवाल आ रहा है फ्रॉम विशाल कुमार सर व्हाट इज़ 197 197 नाइन्टी इज़ द पेरेंट कंपनी मतलब उस कंपनी ने पेटीएम का ब्रांड बनाया है पेटीएम ब्रांड इमेज है उस कंपनी की ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब आपको ले चलते हैं हमारी अगली खबर जो कि ये रही अब आपके सामने डबल ई एस एल टू तो गेट थ्री हंड्रेड मिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक डबल ई एस एल का सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए इसका जो फुल फॉर्म है ये आपके सामने देखिए दिया भी हुआ है इट इज़ एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड या फिर ई एस एल ठीक है तो ये कंपनी को इस कंपनी को जो कि एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है उसको और और सरकार को वर्ल्ड बैंक का टू हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन लोन देगा और एट्टी एट्टी मिलियन का गारंटी एग्रीमेंट देगा जिससे जो इसका प्रोग्राम जो उसकी स्कीम है उसको और बेहतरी या उसको और एफ़र्ट मिल सके तो उसके लिए ये बेसिकली यहाँ पर फंडिंग आ, की गई है जो कि स्क्रीन पर भी फ़िलहाल आप देख सकते हैं तो दोस्तों ई जो है मैंने पहले बता दिया आपको ई एस स्टैंड फॉर एनर्जी एफिशंसी सर्विस लिमिटेड इट इज़ बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी और इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है आर के सिंह वो इसके मिनिस्टर कंसर्न है ठीक है और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है राजीव शर्मा सो so, राजीव शर्मा इज द चेयरमैन ऑफ डब्लू एस एल आर के सिंह मिनिस्टर हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के इस डिपार्टमेंट के और इसको मिले हैं करीब तीन मिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक जिसमें से दो सौ जिससे जिस ये करीब दो सौ उन्नीस मिलियन एल ई डी लाइट्स को लगाएगा इट इट विल डिप्लॉय इट विल सेटअप अराउंड टू हंड्रेड नाइनटीन मिलियन एल ई डी लाइट्स अक्रॉस द इंडिया वो यहां पर इसका कंसेप्ट है सवाल आ रहा है फ्रॉम कुमार सत्यम सर वॉट इज गारंटी अग्रीमेंट देखिए गारंटी अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट इन विच द वर्ल्ड बैंक विल टेक बैक द मनी डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन अगर जो भी शर्तें uh, एस एल ने रखी है कि हम इतने एलईडी लाइट्स लगाएंगे अगर उनको लगा देते हैं तो ये अग्रीमेंट आपका फुलफिल हो जाएगा एंड दैट विल बी सेटिस्फाइड दैट विल बी कंप्लीटेड वो आपका यहां पर होता है गारंटी अग्रीमेंट इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड ठीक है आ, ओके अच्छी बात है अक्षय परिहार को ब्लॉक किया जाए दूसरे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं भाई मेरे चैनल पे आके दूसरे चैनल प्रमोट करोगे ऐसे कैसे चलेगा तो प्लीज जरा उनको ब्लॉक कर दो भाई आप वहीं जाके देखो यहां पर गंदगी मत फैलाओ ठीक है तो डबल ई एस एल टू गेट थ्री हंड्रेड मिलियन यू एस डॉलर्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक जहाँ पर डबल ई एस एल जो है उसका दोस्तों नाम है आ, सुमित मोंडाल जी यश ये शो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है भैया बैंकिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही ठीक है अच्छा यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी जो कि है वर्ल्ड बैंक के बारे में आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं देखिए वर्ल्ड बैंक जो है आ, इसका इसका जो जो वर्ल्ड बैंक जिसको हम जानते हैं उसका नाम है आईबीआरडी वैसे इसके तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं पर जिसको हम जानते हैं आ, उसका नाम है आईबीआरडी ठीक है और आईबीआरडी जो है उसका फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वो बेसिकली दोस्तों उसका फुल फॉर्म है और ये जो आपका बैंक है ये आपका बना नाइनटीन में ठीक है uh, ये वाशिंगटन में आपका बेस्ड है uh, ये जो आपका बैंक है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इसके जो अभी प्रेसिडेंट उनका नाम है जिम योंग किम एंड आई बी आर डी और बैंक कंजिस्ट ऑफ वन हंड्रेड एंड एटी नाइन मेंबर्स तो वर्ल्ड बैंक uh, का एक सबसे बड़ा अंग है उसका नाम है आई बी आर डी इट इज इन वॉशिंगटन यूएसए एंड जिम योंग किम इसके प्रेजिडेंट हैं और ये आपका नाइनटीन फोर्टी फोर में बना है और वन एटी नाइन मेंबर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं यह रहा इसका हिंदी एंड इंग्लिश गाइस की दो मिलियन एल डी के लिए ये इन्वेस्टमेंट हुआ है ओवरऑल 300 मिलियन का है इट हैज़ बीन गिवन बाय वर्ल्ड बैंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द डबल ई अगर यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट नहीं है प्लीज़ जरा कमेंट्स में डाल दीजिएगा येस सर येस सर येस सर वी हैव हाँ नो डाउट तबीन साउद मैंने वर्ल्ड बैंक का स्टार्टिंग आपको दे दिया वर्ल्ड बैंक का मेन ऑर्गेनाइजेशन है आई मैंने सब कुछ दे दिया आपको मतलब थोड़ा ध्यान भी दे दो शो में आपको दिख जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं अगली खबर जो कि ये रही अब आपके सामने गाइज वी हैव टू पिक्चर्स बोथ पिक्चर्स आर पिक्चर्स दैट वी शुड वी शुड रिजॉयस ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि हम सबको uh, यहाँ पर uh, याद रखनी चाहिए बिकॉज दीज पिक्चर्स आर फ्रॉम द एशियन गेम्स ऑन वन साइड वी हैव दी गोल्डन एंड द सिल्वर बॉयज जिंसन जॉनसन जो कि ये हैं आपके सामने और मंजीत सिंह जो कि ये हैं आपके सामने ये दोनों ही लोगों ने जीता है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है आपका सिल्वर मेडल देन वी हैव द फोर क्रॉस फोर हंड्रेड मीटर मिक्स रिले टीम जिसमें आपके सामने हैं पुअम्मा हीना दास द गोल्डन गर्ल देन वी हैव मोहम्मद आनस एंड अरो एंड अरोकिया राजीव इन्होंने जीता है हमारे लिए सिल्वर मेडल इन द फोर क्रॉस फोर हंड्रेड मिक्स रिले जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों ने ही साथ यहाँ पर लिया तो एक ये रहा और दूसरा आपका आ, ये रही ये दोनों इन्होंने जीता है गोल्ड सिल्वर इन्होंने जीता है हमारे लिए सिल्वर मेडल आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं इंडियन टीम की आर्चरी में आर्चरी मतलब तिरंदाजी आ, इंडिया लॉस्ट इन द फाइनल्स ऑफ द आर्चरी इवेंट इन द कंपाउंड आर्चरी इवेंट एंड दे लॉस्ट टू द साउथ कोरियंस इन बोथ द मेन्स एंड द वुमेंस एंड दे वन आज दिल्वर मेडल उन्होंने इस बार दोनों ही मतलब चाहे वो मैंस की बात करें या फिर हम वुमेन्स की बात करें दोनों में ही उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल जो कि स्क्रीन पर भी फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि दे है वन दिल्वर मेडल इन दर्चरी इवेंट आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं टेबल टेनिस में टेबल टेनिस में इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल सॉरी uh, ने जीता है आपका वन सेकेंड दे हैव वन द ब्रॉन्ज मेडल इन विच दे वर डिफीटेड बाई साउथ कोरिया इन दैमाईफाइनल्स पर ऐसा पहली बार है कि टेबल टेनिस में हमें एक मेडल मिला है एंड दैट मेडल इज़ अ ब्रॉन्ज वन और आगे चल कर उम्मीद है कि हम और डिफरेंट मेडल भी जीतेंगे तो यहाँ पर हमें मिला है एक ब्रॉन्ज मेडल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द स्पोर्ट ऑफ टेबल टेनिस टेबल टेनिस के स्पोर्ट में पहली बार हमें मिला है एक ब्रॉन्ज मेडल चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही सिंपल सी खबर थी इसमें कुछ ज्यादा कच्छ था नहीं उसके अलावा अगर बात करें तो एक नया स्पोर्ट है जरा मेरे को हटा देना स्क्रीन पर एक नया स्पोर्ट जिसका नाम है आ, कुराश कुराश जो कि एक रेसलिंग का स्पोर्ट है विच इज सिनोनिमस टू सेंट्रल एशिया उसमें uh, पिंकी बलहरा एंड मलाप्रभा यलपा इनको मिला है सिल्वर एंड ब्रॉन्ज पिंकी को सिल्वर एंड मलप्पा को ब्रॉन्ज मिला है इन द 52 टू के जी कैटेगरी और अगर हम बात करें इस स्पोर्ट जिसका नाम है कुराश तो कुराश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ जूडो एंड रेस्लिंग जूडो रेस्लिंग का ये कॉम्बिनेशन है और ये उज्बेकिस्तान का एक नेटिव स्पोर्ट है ठीक है और इस स्पोर्ट में इंडियन जीते हैं सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इन द 52 केजी कैटेगरी जिसमें चाइना शायद फर्स्ट प्लेस पर रहा पर एक बार आप इसको भी याद रख सकते हैं ठीक है वापस स्क्रीन पर आ जाएँ दोस्तों अब आप आपको लग रहा होगा इतने सारे अवार्ड्स हैं कैसे याद रखें तो परेशान ना हो मैं हर शो में आपको एक लिस्ट दूंगा दैट लिस्ट विल बी द अपडेटेड लिस्ट ऑफ ऑल द विनर्स ऑफ द एशियन गेम्स फ्रॉम इंडिया तो उस लिस्ट में मैंने इनको भी दोस्तों यहाँ पर ऐड कर दिया है ठीक है तो अब अगली अब ये दे, देख लेते हैं कि वो लिस्ट जो है आपकी वो कहाँ तक पहुँची है कल डिस्कस किया था मैंने आपको फर्स्ट टेन देन द नेक्स्ट एटीन देन द नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन देन द नेक्स्ट देन द नेक्स्ट माफ करिएगा यस देन द नेक्स्ट थर्टी सेवन थर्टी सेवन तक डिस्कस किया था आज क्योंकि और लोग ऐड हो गए हैं तो यहां तक हमने कल तक डिस्कस कर लिया था आज हमने ऐड किया है मंजीत सिंह को दिखा दो भाई स्क्रीन पे भाई हाँ मंजीत सिंह को जिनसन जॉनसन को uh, मंजीत सिंह को मिला है गोल्ड uh, जिनसन जॉनसन मिला है सिल्वर ठीक है देन फोर मिक्स विले में इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल पी uh, सिंधु को मिला है सिल्वर शी वॉज डिफीटेड द फाइनल्स बाय बाय द बाय द गोल्ड मेडल विनर और आचरी टीम को मिला है आपका सिल्वर uh, जो कि जो कि मिला है uh, दोनों ही मेंस में और वुमेंस में सिमिलरली बात करें तो 42 पे आपके आपका पास छुपरा होगा फोर्टी टू मैन लिखा हुआ है टेबल टेनिस के बारे में टेबल टेनिस में जो है इंडिया जीता है पहली बार आपका गोल्ड मेडल uh, सतवीर गुसैन मैं कम्बाइंड लिस्टी तो आपको दे रहा हूँ भाई ये कम्बाइंड लिस्टी तो है ओके मतलब कई लोगों को बिलीव ही नहीं होता कई लोगों को आंखों से पानी आते हैं ये ऐसा हो ही नहीं सकता असंभव पर संभव मैं कर रहा हूँ आपके लिए ओके फिर आगे अपडेट करें तो ये देखिए और भी अपडेटेड है इंडिया हैज़ बैग्ड टू मेडल्स इन कुराश जिसमें मिला है सिल्वर एंड ब्रॉन्ज सिल्वर मिला है पिंकी भालरा को और ब्रॉन्ज आपका मिला है मलप्रभा प्रभा को ठीक है तो ये एक बार आप स्क्रीन पर भी फिलहाल देख पा रहे हैं ठीक है तो चलिए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और यह चलते हैं आपको हमारी शीतल सिंह जी तीस तक नहीं मिले हैं वो नंबरिंग है तीस अगस्त तक नहीं है बाप रे बाप प्रणाम है आपको माते चलो आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर दोस्तों वापस स्क्रीन तो पे आ जाएं सो लेट्स कम बैक टू स्क्रीन गाइस ओके एंड आगे बढ़ते हैं इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टाइम पे अभी क्योंकि नौ बजे का सेशन है तो इसको डिस्कस करेंगे नहीं पर अब आगे ले चलते हैं आपको और ले चलते हैं आज हम टेंपल्स के बारे में लेट्स नाउ फोकस ऑन द वेरियस इंडियन टेम्पल्स जो कि इंडिया में आपके पाए जाते हैं जिनमें जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं वैष्णो देवी है ये हमारा केस स्टडी है दोस्तों देन अमरनाथ केव जम्मू कश्मीर में है अमृतसर में आपका गोल्डन टेम्पल है केदारनाथ टेम्पल आप देख पा रहे हो देन बद्रीनाथ टेम्पल ऋषिकेश हरिद्वार मानसी देव मनसा देवी टेम्पल है देन फतेहपुर सीकरी आपका आगरा के पास है पुष्कर टेम्पल आप जानते हो कि ब्रह्मा टेम्पल यहाँ पर है पुष्कर में ठीक है अयोध्या में आपका राम जन्मभूमि टेम्पल है ठीक सारनाथ जो कि बनारस के पास है नालंदा गया बिहार में बोध गया है महाबुद्धि टेम्पल है देन बनारस में वेरी फेमस काशीनाथ टेम्पल है द्वारका हैज़ द रुक्मिणी टेम्पल देन उडवडा हैज़ द ईरान शाह फायर टेम्पल ऑल राइट सोमना टेम्पल आपका गुजरात पाया जाता है नासिक में वी हैव हाँ द त्रंबकेश्वर टेम्पल देन गोकर्णा में महाबलेश्वर टेम्पल है कोनार्क हैज़ द सेंट टेम्पल कलकत्ता में आपके तीन टेम्पल्स हैं जिनमें है आपका दक्षिणेश्वर टेम्पल श्री शारदा देवी टेम्पल कालीघाट टेम्पल पुरी हैज़ हाँ द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल uh, शिशिया ए मैं जूम नहीं कर सकता हाँ पर हम इसका पीडीएफ आपको दे देंगे पीडीएफ पी डी एफ आप इसका देख सकते हैं ठीक है फिर अच्छा एक करेक्शन है टेबल टेनिस में इंडिया जीता है ब्रॉन्ज मेडल ठीक है करेक्शन है माफ़ कीजिएगा अगर मैं सिल्वर होगा टेबल टेनिस में जीता है ब्रॉन्ज जी बिल्कुल तुलिका जी मैं बनारस मेरा मेरे बहुत खास तो बनारस रहते हैं बनारस में कई बार आ चुका हूँ फिर बात करते हैं श्री सलम यहाँ पर है आपका मल्लिकार्जुन टेम्पल तिरुपति बाजी टेम्पल देन श्रवण बेरागोला में आपका है जैन पिलग्रिम सेंटर जो कि आपका सदन पार्ट्स में है गुरुवयूर है में है श्री कृष्णा टेम्पल देन तिरुवनंतपुरम में है पद्मनाभ स्वामी टेंपल ओके देन मदुराई मीनाक्षी टेम्पल कांचीपुरम में कैलाशनाथ नाथ टेम्पल रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी टेम्पल एंड कन्याकुमारी में आपका है सुचिंद्रम तनुमलयम टेम्पल और कई सारे टेम्पल और आपके यहाँ पर दिए गए हैं अब ये तो एक मैप मैंने आपको बता दिया इस मैप को आप एक बार देख सकते हैं और अब इसका मैं आपको दे रहा हूँ एक लिस्ट ये रही इसके सामने लिस्ट दोस्तों कमाख्या टेम्पल गुवाहाटी सुकरेश्वा टेम्पल असम महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु मीनाक्षी टेम्पल मदुराई बृद्धेश्वर टेम्पल तमिलनाडु कांचीपुरम तमिलनाडु आंध्र में सिरीसलैम एंड तिरुपति केरला में पद्मस्वामी सबरीमाला कर्नाटका में गोमतेश्वर बेंगलोर विरुक्षा अमृतसर गोल्डन टेम्पल गुजरात सोमनाथ महाराष्ट्र मुंबई सिद्धिविनायक गया बिहार महाबोधि जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा जो होती है हरियाणा मरकंडेश्वर उड़ीसा कोनार्क एंड जयपुर में बिरला मंदिर तो ये टेम्पल्स आपके सामने मैंने यहाँ पर दे दिए तो गाइज इसका पी डी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पर उससे पहले ये रहा आपके सामने हमारा आज का लास्ट कोटेशन बिलीव वेन अदर्स डाउट वर्क वेन अदर्स रिफ्यूज़ से व्हेन अदर्स वेस्ट स्टे वन अदर्स क्विट एंड यू विल विन एन अदर्स लूज बिलीव करें जब बाकी लोग आप पे डाउट करते हैं वर्क करें, कर करें जब बाकी लोग वर्क करना बंद कर देते हैं सेव करें जब बाकी लोग वेस्ट कर रहे हैं आ, अपने टारगेट बने रहें जब लोग क्विट कर चुके हैं और आप जीतेंगे और बाकी के बाकी सब के सब हार जाएंगे ठीक है तो चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं थैंक यू सो मच गाइस आपका यहाँ आने के लिए प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिएगा आपका फ़ीडबैक अच्छा हो या बुरा बिकॉज आई नीड फीडबैक टू मेक इट द बेस्ट शो ऑन यूट्यूब Thank you so much for being with us. Milte ab aap se kal, same time, same place at 8 am. Bye bye, take care and peace out, guys. Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu, we'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots, there will be financial terms, we'll also have MCQs, we'll discuss a map every day and whatnot. ट विल कवर एवरी अदर सेगमेंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन और मजे की बात दोस्तों यह है कि ये शो अब हिंदी में भी आएगा